जहाँ तक सियासी कारकुन है, खास तौर पे इस माहौल में, इस दौर में, उन सियासी कारकुन के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके कायद से कोई इख्तलाफ तो रख सकते हैं, हमारा दूसरा राय हो सकता है, सख्त इख्तलाफ हो सकता है, मगर हम सियासी कारकुनों की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि जहां भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सखर हो, लाहौर हो या डीआई खान हो, तमाम लोग जो उस इलाके में रहते हैं वो हमारे साथ मिलकर जदोजहद करें। माजी में वो जिस सियासी जमात से ताल्लुक रखें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ख्याल रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जदोजहद करें जमहूरियत के लिए, मईशत के लिए, दहशतगर्दी के मुकाबले करने के लिए। एक ही जमात है जो मैं समझता हूँ सब सियासी जमाती कारकुन को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इंगेज भी कर सकते हैं। ये रेकन्सिलिएशन का सियासत तो हम करते हैं, लेकिन इनके लीडर्स के साथ साथ जो सियासी कारकुन हैं, जो लड़ते हैं, जो ज़मीन पे होते हैं, उनके अपने इश्यूज भी होते हैं। तो बिल्कुल अगर नासिर शाह साहब या फैसल कुंडी साहब या कोई और उन सियासी कारकुन से इंगेज करना चाहते हैं तो मैं उनको नहीं रोकूंगा।